तो ये तैयारियां थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर, लेकिन तैयारियां क्या कुछ राजनीतिक दल दूसरे कर रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रचार में दुष्यंत चौटाला लगे हुए हैं। एक
रिकॉर्ड पर ये बीजेपी वाले लोग जो लोकसभा में एसवाईएल वाला बिल पास हो गया राज्यसभा में भी लेकर आए कि शायद पंजाब के लोग नाराज हो जाए। साथियों एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको देखनी पड़ेगी कि आज भी देश की परिस्थितियां परिवर्तन चाहती है। अपराध के मामले में क्या हालात, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोज एक मर्डर, तीन रेप, चार डकैती होती है। और साथियों खट्टर साहब कहते हैं कि हमने महिला थाने खोल दी, हमने पुलिस में 5,000 नए भर्ती कर दी। आज ऐसे गुंडों तत्वों को अपने स्टेट में पना देने का काम करते हैं और फिर कहते हैं प्रदेश में परिवर्तन आएंगे। और दूसरी परेशानी है, अभी जब मैं पुल उतर के आपकी मंडी तक आया तो कम से कम 200 वाला पशु शहर में घूम रहे थे। और ये हमारा पशु शहरों की समस्या नहीं है, खाने के ये किसान के खेत की इससे बड़ी समस्या है। अगर एक बार खेत में खाने घुसे ऐसे लगता है कंबाइन सी झूठी हो। ये वादा मैं करता हूं, चाहे नशे की लड़ाई, चाहे गुंडा तत्वों से लड़ाई हो, राज आने पर इस प्रदेश से असामाजिक तत्व, गुंडे तत्व और खाकर पूरी तौर पर बाहर निकालने का काम आपका फायदा। साथियों मैं एक चीज जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, चुनाव अभी गर्मी पे आया, कल से मोटा भाई छोटा भाई भी आए, आके कहेंगे हरियाणा में हमने ये करके दिखाया, हरियाणा में ये करके दिखाया। भारत माता की जय भी बोलेंगे, 370 की बात करें, पर पूछना मोटा भाई छोटा भाई से कि जितने हरियाणा के जवान आज बॉर्डर पर शहीद हुए हैं आज तक गुजरात की धरती ने कुल मिलाकर 50-70 सालों में इतने जवान हमारी सेना ने भी भेजे हैं। हर गांव से एक शहीद है और गर्व है इस धरती पर जिसने इस देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान करने का काम किया। साथियों आगे बढ़ाई करेंगे नौकरियों की, हमारी सरकार में बड़ी अच्छी तरीके से नौकरी हुई, वो हरियाणा की बात नहीं करते, वो खट्टर साहब को बधाई देते हैं कि एसटी और इलेक्ट्रिकल निकले 80 नौकरियां निकली, हरियाणा के खट्टर साहब ने 2 छोड़ी, 78 भारत है जिसमें अधिकतर गुजारा। इसे पिछले साल हरियाणा में 55 एसटी और इलेक्ट्रिकल लगे थे और एसटी इलेक्ट्रिकल की लिस्ट में हरियाणा के केवल मात्र 8। साथियों ये समझने की बात है कि आपके अधिकारों को दिन प्रतिदिन गुजरात मॉडल के तहत हरियाणा से बाहर ले जाया जा रहा है। ये पढ़े लिखे युवा साथी बैठे इन लोगों से आज इनके रोजगार की आस को पूरी तौर पर समाप्त भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, मगर इस प्रदेश को बर्बाद रूपों में लिख दिया गया। हम तो बिहारी कहते अंतिम छोर मुझे हरियाणा प्रदेश के पूरे 90 हलकों का पिछले 12 महीनों में दौरा करने का मौका मिला और 12 महीने में इसलिए बोल रहा हूं क्या कई साथी ऐसे हैं जो उस दिन मेरे साथ जब मेरे मोबाइल पे आज से एक साल पहले नोटिस आया कि आपको आईएनडी से सस्पेंड कर दिया, वो मैसेज पढ़ के हैरानी हुई कि हमारी गलती क्या है और आज तक हम पे आरोप लगते थे। तो मुझे याद है वो दिन भी जब कहा जाता था कि ये तो कुत्ते के खाएंगे दरवाजे के बाहर, फिर भी हमें उसको पाइपाइट नहीं देंगे। सुनी थी कि छोटे जी हमारे ऑफिस के साथ में लगा साथियों 11-12 महीनों में कहां पहुंच गया आप लोगों, आज आपने तो 90 साथियों को चुनाव मैदान में उतार दिया। वो 21 साल पुरानी पार्टी जो कहती थी 200-300 छोरे हैं, 80-82 उम्मीदवार को नहीं ढूंढ पाए, आज तो ऐसी हालत आ गई कि राइना और सिरसा भी सीट छोड़नी पड़ी, उनको उनके जात गठबंधन के अपराध जिनके खिलाफ पंजाब के असेंबली में जाकर मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े। साथियों एक चीज जो प्रदेश के पूरे एक एक व्यक्ति के आज मन में है वो यही है कि ईमानदारी के साथ कबीले के साथ की लड़ाई को कोई अगर लड़ सकता है तो
एक चीज की कमी है, वो है कार्यकर्ताओं की मेहनत।